हुकूमत को बड़ा धचका, वादा मुआफ गवाह बयान से मुकर गए। नो में वाकयात की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, वादा मुआफ गवाह साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम अब्बासी और साबिक रुकन असेंबली उमर तनवीर भट्ट अपने ही बयान से मुनहरिफ हो गए। दोनों मुलजमान ने एडवोकेट फैसल मलिक के जरिए 164 के बयान से मुतालिक दरखास्त इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी में दायर कर दी है। अदालत ने दरखास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। दरखास्त गुजारों की जानिब से मौकिफ इख्तियार किया गया कि उन्होंने बानी पीटीआई के खिलाफ कोई बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने या तहरीरी तौर पर नहीं दिया। इमरान खान ने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की हदायत की है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ संगीन नौयत के इल्जाम से मुतल्लिक उनके बयानात की कोई हकीकत नहीं। दूसरी जानब पीटीआई रुकने कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज अहमद को प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद पेश न करने पर तहरीके इस्तेहकाक जमा करा दी गई। साबिक स्पीकर असद कैसर ने डीजी एंटी करप्शन, आईजी पंजाब, आईजी जेल खाना जात और डीपीओ गुजरात के खिलाफ तहरीके इस्तेहकाक कौमी असम्बली सेक्रेटेरियट में जमा करवाई। कायमा कमेटी सिविल एविएशन के अहकाम पर अमल दरामद न करने वाले अफसरों के खिलाफ भी तहरीक जमा करवाई गयी। तहरीक इस्तेहकाक में कहा गया, ऐवान की तवज्जो अरकान के इस्तेहकाक की संगीन खिलाफ वर्जियों की जानब कराना चाहते हैं। हाजी इम्तियाज अहमद को महकमा एंटी करप्शन और दीगर हुकाम ने स्पीकर की पेश की मंजूरी के बगैर गिरफ्तार किया, जो कौमी असम्बली के कायदे ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। रूल 103 ये वाज़े करता है कि रुकन असम्बली की गिरफ्तारी या तहवील से कबल स्पीकर की इजाजत जरूरी होती है। जब रुकन को किसी जुर्म या फौजदारी जुर्म के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाए तो जज मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के लिए स्पीकर की मंजूरी हासिल करना लाजमी है, जिसमें गिरफ्तारी या हिरासत की वजूहात को जाहिर किया जाता है। रूल 103 की खुलेआम खिलाफ वर्जी से न सिर्फ इंफरादी रुकन बल्कि पूरे ऐवान का इस्तेहकाक मजरूह हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली के प्रोडक्शन आर्डर्स पर अमल न करके रुकन असम्बली के हक की तलफी की गई। चेयरमैन कायमा कमेटी ब्राय सिविल एविएशन के हुक्म पर भी हाजी इम्तियाज अहमद को कमेटी के इजलास में पेश नहीं किया गया था। कायमा कमेटी के चेयरमैन को कवायद के मुताबिक अपने अरकान की हाजिरी को यकीनी बनाने का इख्तियार हासिल है। कवानीन की खिलाफ वर्जियों के पेश नजर मामले की मुकम्मल तहकीकात के लिए इस्तेहकाक कमेटी को भेजा जाए।